नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी है। टक्कर मारने की वजह से श्रद्धालुओं से भरी ये कार क्षतिग्रस्त हो गई है और इस पूरे हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, इस पूरे हादसे में 2 महिला समेत 8 लोग गंभीर घायल हो गए हैं, जबकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। हसायन के रति का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक कार की भिड़ंत हो गई है टक्कर के साथ। और इसी टक्कर में आपको बता दें कि एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। ये सभी श्रद्धालु थे जो कि मंदिर दर्शन करने जा रहे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ है। हसायन के रति के नगला की घटना बताई जा रही है, जहां पर इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़ी खबर इस वक्त की हाथरस से सामने आ रही है। श्रद्धालुओं से भरी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है, दुर्घटना का शिकार हो गई है ये कार। और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ ही बता दें कि 2 महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 3 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। हालांकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसी के साथ ही आरोपी ट्रक ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है। हसायन के रति का नगला की घटना बताई जा रही है। और इस बीच गोरखपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चोरों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है। चोरों का खुलासा करने में पुलिस रही फेल, 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ रहे खाली। 12 लाख कीमती जेवर जो है चुरा कर ये चोर फरार हो गए थे, लेकिन अब तक पुलिस इन चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 12 लाख के कीमती जेवर ले उड़े थे ये चोर और इसी के साथ ही 1.5 लाख नकदी भी चुरा ली गई थी। और इसके बाद गोला क्षेत्र के डेईडीहा में ये पूरी वारदात हुई थी, जहां पर चोर 12 लाख के जेवरात और 1.5 लाख की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक घटना के 4 दिन बीत जाने तक पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लगातार आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर चोरी का खुलासा करने में पुलिस बुरी तरह से विफल साबित हुई है। चोरी के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 12 लाख की कीमती गहने और 1.5 लाख की नकदी लेकर ये चोर फरार हो गए थे और अब तक पुलिस ने इसमें एक भी चोर या एक भी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। इस पूरे मामले के बारे में आपको बता दें कि गोला क्षेत्र के डेईडीहा में ये पूरी चोरी की वारदात हुई थी और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर चोरी की वारदात हुई थी, जहाँ चोरों ने मिलकर करीब 12 लाख के कीमती जेवरात और 1.5 लाख की नकदी लूट ली थी। और इसी बीच ललितपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ताल बेहट आरपीएफ दरोगा की शर्मनाक करतूत सामने आई है। वन विभाग में बेशकीमती लकड़ी बेचकर ये वसूली कर रहा था शख्स, और इसी बीच ठेकेदार की 2 से 50 लाख की लकड़ी बेच दी गई है। आरपीएफ दरोगा लकड़ी बेचकर पैसा खुद हजम कर गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आरपीएफ दरोगा की शर्मनाक करतूत लकड़ी बेचकर पैसा ऐंठने की खबर यहां पर सामने आई है ललितपुर से, जहां पर ताल बेहट आरपीएफ का दरोगा इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। बता दें, वन विभाग ने बेशकीमती लकड़ी जो है, वन विभाग की वो बेशकीमती लकड़ी इस दरोगा ने बेच दी और इसी के साथ ही ठेकेदार की जो शिकायत है उसमें सामने